ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए माह दिसंबर 2021 यानी दिसंबर का महीना 2021 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, आपका फैमिली फाइनेंस, भूमि मकान वन प्रॉपर्टी, घर का सुख, आपके संतान सुख, आपके प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन, विद्या, नौकरी, तरक्की, उन्नति, आपके शत्रु, आपके ऋण रोग की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके नए विवाह संबंध, आपके प्रेम संबंध, आपके कार्य व्यवसाय, पार्टनरशिप, बिजनेस, तरक्की, उन्नति, तो आपकी विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर और लाभ की स्थिति कैसे रहेगी, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलाते चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और मेरी आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर। सूर्य अभी वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी आपके तुला राशि में संचार कर रहे हैं और 5 दिसंबर को अपने स्वयं ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ स्थिति है। उसके बाद फिर आपके बुध की स्थिति है, तो बुध अभी आपके यहाँ पर वृश्चिक राशि में, 10 तारीख को धनु में जाएंगे और 29 तारीख को मित्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी होकर। शुक्र अभी आपके यहाँ पर आपके धनु राशि में चल रहे हैं और 8 दिसंबर को अपने मित्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके यहाँ मार्गी होकर अपनी स्वग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके वृषभ राशि में और केतु आपके वृश्चिक राशि में। आपके ग्रह गोचर की स्थिति बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातक। देखिए मित्रों, आपके ऊपर शनि की 6.5 तो चली रही है, उससे मकर राशि वाले जातक थोड़े पीड़ित हैं, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, थोड़े डिस्टर्बेंसेस, हेल्थ इश्यूज, मेंटल स्टेबिलिटी में कभी बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, ये सब चीज़ें तो आपके साथ चली रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो अब जो कुछ ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वह मोस्टली आपके पक्ष में यहाँ जाएगा, आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। यहाँ के लॉर्ड जो शनि है, अभी पहले आपके स्वघरे अपने घर में बैठ के शश योग बना रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें, किसी भी कन्फ्यूज़न, किसी भी उत्तेजना से बचें और अपने हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें, क्योंकि थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक थोड़ा संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। धैर्य और संयम का परिचय दें और थोड़े उपाय करें तो उसके बाद डिसीजन लेकर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं, हालांकि वहाँ के लॉर्ड जो आपके शनि हैं तो आपके बारे में चले गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार में जो मतभेद डिफरेंसेस थे तो वह आपके दूर हो जाएंगे। परिवार वालों का लाभ, सहयोग मिलेगा। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, आपके जमा धन कोष में वृद्धि हो सकती है। तो यह अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। और आपके परिवार में तो जो किसी किस्म का कोई मतलब धार्मिक कार्य भी आपका संपन्न हो सकता है। थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, थोड़ी तो मतलब निगेटिविटी, नकारात्मकता, आत्मविश्वास में कमी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लूज हो सकता है, निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन मत आने दें। सकारात्मक सोच बनाए कर तो आज आप बना के रखें तो अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ थोड़ा सावधानी बरतें। आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कर्मचारी कार्य करते हैं, आपके वेलविशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, जो आपके पड़ोसी या आपके भाई बहन, तो उनसे थोड़ा संबंध अपने ठीक रखें। थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ी धोखा चिटिंग भी हो सकती है, लेकिन धैर्य संयम रखें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, बहुत शुभ स्थिति। यहाँ के लॉर्ड मंगल 5 दिसंबर को लाभ स्थान में अपनी राशि में आएंगे। तो इससे पहले अगर प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर आपको कोई व्यवधान, कोई परेशानियाँ देखने को मिल रही थी, आपका कोई वाद विवाद था प्रॉपर्टी को लेकर, या आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो इन सब से आप बाहर आएंगे और निश्चित रूप से अब आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। और कोई आप योजना बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। कोई चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में सुख संसाधन बढ़ेंगे और आपको घर की और मन की शांति यहाँ पर बिल्कुल महसूस करेंगे। बिल्कुल एकदम अच्छा वातावरण माहौल रहेगा आपका। उसके बाद आपके संतान की दृष्टि से बात कर लेते हैं। तो संतान की दृष्टि से जो स्थिति है अभी देखिए मित्रों, थोड़ा यहाँ पर तो जो आपके शुक्र हैं वह भी 12वें घर में चल रहे हैं, लेकिन तो अभी स्थिति तो आपकी सामान्य है, बहुत शुभ फल उसके नहीं मिल रहे। लेकिन 8 तारीख को
यह जब आपके केंद्र में आ जाएंगे और मूल त्रिकोण के स्वामी होंगे तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे। अचानक संतान की तरफ से आपको खुशखबरी और गुड न्यूज़ मिलेगी। उनका कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, उनका नौकरी में, कार्य व्यवसाय में या उनका एजुकेशन में, तो उनको तरक्की उन्नति के अवसर, संतान का सहयोग और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपको मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति। 8 तारीख के बाद अब तक प्रयासरत थे, कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी, कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही थी, लेकिन अब आप थोड़े एफर्ट्स डालेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई कोर्स करना, एडमिशन लेना, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी दूर हो जाएगी और प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। नई नौकरी लगने की संभावनाएं बनेंगी कि नई नौकरी के योग आपके बनेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको लेकिन थोड़ी सी उसमें बाधाएं, थोड़ी मेहनत और संघर्ष थोड़ा आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा या पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। जिनके ऊपर विश्वास करते हैं थोड़ा आपको वहाँ से धोखा मिलने के चांस रहेंगे। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है और कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन में भी तो आपको ऊपर नीचे थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। कहीं विवाह शादी तो आप क्या विवाहित हैं तो पति पत्नी के थोड़े संबंध, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेज उभर सकते हैं और या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो जिस वजह से आप किसी चिंता परेशानी में आ जाए। आपके विवाह संबंध कहीं बनने जा रहे हैं तो उसमें कोई व्यवधान परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। आपके प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं, वहाँ डिफरेंसेज मतभेद उभर कर आपके सामने आ सकते हैं और एक दूसरे से आपको धोखा चेटिंग हो सकती है। आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दें। बहुत जरूरी अगर बनता है तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में प्रयास करें, मेहनत करें, फिर आगे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी तो आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अचानक से 15 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई अग्नि का भय, कोई आपको पित्त की, कोई गर्मी से संबंधित कोई प्रॉब्लम, चीरफाड़, ऑपरेशन, कटफट, एक्सीडेंट, ये प्रॉब्लम भी थोड़ी क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्किन की, आँखों की प्रॉब्लम, तो ये सब थोड़ा आ सकता है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पैसे का लॉस तो को बड़ा नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना, ये चीज़ें 15 तारीख के बाद थोड़ी क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर देगा, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। लंबी दूरी की यात्राएं संपन्न होंगी, विदेशों की गए तो जब विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती है, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की पूजा पाठ जो आप करेंगे उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक है, आपके अनुकूल है, लेकिन 8 तारीख तक स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, थोड़ा संगत करियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो थोड़ी स्थिति 8 तारीख तक थोड़ी ख़राब है। 8 तारीख के बाद स्थिति एकदम आपके अनुकूल आ जाएगी। उसके बाद अगर आप करियर से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई परिवर्तन करना चाहें, कोई विस्तार करना चाहें, नया कार्य व्यवसाय करना चाहें, या स्थान परिवर्तन करना चाहें, बिजनेस परिवर्तन करना चाहें, या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी 8 दिसंबर के बाद, फिर आप सक्सेस गेन करेंगे और आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आप लाभ गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम रुक गया था तो आपका सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग या आपके जिनसे आपके प्रेम संबंध है, वहाँ से लाभ बेनिफिट कोई फाइनेंशियली तो आपको लाभ सपोर्ट आपको मिल सकता है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो आपका आय के स्रोत बढ़ेंगे, तो लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति रहेगी। जो जातक विदेशों में उनके लिए भी स्थिति ठीक है, उनकी तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे और यह स्थिति आपकी लेकिन 29 तारीख तक थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानी। अगर आप विदेश तो जाते जाते कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई कार्य है, कोई नौकरी के संबंध है या कोई बिजनेस का संबंध है, तो इसमें बीच में क्या है कि आपके साथ थोड़ा सा आपको 10 तारीख से लेकर 29 तारीख तक थोड़ा टाइम थोड़ा परेशानी का रहेगा। इसमें सोच समझ कर, धैर्य रखकर अगर वो यात्रा तो आप टाले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई पैसे का नुकसान, कोई व्यवधान, पैसा रुक सकता है, अटक सकता है। 10 तारीख से 29 तारीख तक 19 दिनों की बात है, तो उसमें थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। उसके बाद कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, फिर आप उस पर सक्सेस गेन करेंगे। ऑल ओवर स्थिति देखिए मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। वह इसलिए जरूरी बनता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही
तो आपके प्रतिकूल चल रही आपके फेवर में नहीं है, तो संभवतः इतने शुभ फलों की प्राप्ति ना हो, तो आपको थोड़ी परेशानियों का मुंह देखना पड़े और संघर्ष और कठिनाइयाँ जो आपके सामने आए। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है, तो फिर संभवतः आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर इस माह मकर राशि वाले जातकों को मेन उपाय बस आप खाली शनि भगवान का कीजिए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन तो उनको अर्घ्य दीजिए, और आप रविवार को थोड़ा गुड़ और तांबे का एक सिक्का ले लें, सिर के ऊपर तीन बार घुमाएं उसको, तो आप बहते पानी में या उसको खाड़ी में प्रवाहित करें, और काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं, और उसके साथ आप ओम गंग गणपत्य नमः ओम शं शनिश्चराय नमः दो मंत्रों का जाप करें और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल शनिवार को प्योरिटी से शुद्धता से रहें और मंगलवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं, और शनिवार को तो आप पीपल ट्री पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं और तीन पर दक्षिणा करें और बिल्कुल प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।